हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। दिल्ली की सीमाओं पर 118 दिनों से बैठे किसान लगातार सरकार से कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं है तब तक घर वापसी भी नहीं है, और किसानों के इसी नारे ने उन्हें मजबूती के साथ दिल्ली की सीमाओं पर खड़ा कर रखा है। लगातार आंदोलन को मजबूत कर रहे किसान आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को आज पूरे 118 दिन हो चुके हैं। कई दौर की वार्ता होने के बाद भी अब तक इस आंदोलन का कोई अंजाम निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं किसानों ने भी अब सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन और मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर आज कुरुक्षेत्र के गांव किरमच में किसानों की महापंचायत होनी है। इस महापंचायत में नेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी शिरकत करेंगे। वहीं आज किसान शहीदी दिवस भी मना रहे हैं, जिसके मद्देनजर धरना स्थल पर हजारों की संख्या में युवा किसान पहुंच रहे हैं। ढांसा बॉर्डर पर भी किसान शहीदी दिवस मनाएंगे। इसी के चलते हजारों की संख्या में युवा किसान मोटरसाइकिल के काफिले के साथ आज ढांसा बॉर्डर पहुंचना शुरू हो गए हैं। बता दें कि राकेश टिकैत के भतीजे गौरव टिकैत भी शहीदी दिवस के कार्यक्रम में ढांसा बॉर्डर धरने पर पहुंचेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि शहीदी दिवस के प्रोग्राम से हजारों युवा किसान आंदोलन से तो जुड़ेंगे ही, साथ ही युवा शक्ति तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एक नया जोश फूंकने का भी काम करेंगे। इस दौरान बुजुर्ग किसानों के सम्मान में सभी बुजुर्गों को साफा पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। ऐसा बॉर्डर पे भी शहीदी दिवस जो मनाने हम जा रहे हैं, या भारी संख्या में गुड्डा गांव से जो युवा साथी हैं वे अपनी मोटरसाइकिल लेके गाड़ी लेके शांतिपूर्वक तिरंगा लगा के झज्जर का एक राउंड लगाएंगे और वे ढांसा बॉर्डर पे वे भी यहाँ पहुँचेंगे। और कल यहाँ भी हम हमारी जो खाप पंचायतें हैं वे सभी बुजुर्गों को साफा बांध के सम्मानित भी करेंगे हमारी बुजुर्गों को, और यहाँ उनके बीच में एक दो चांद और लगाने के लिए हमारे किसान नेता गौरव टकेत भी आपके बीच में ढांसा बॉर्डर पे जो पहुँच रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा ढांसा बॉर्डर पे अपने किसान भाइयों से, आप लोगों से, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँच के ढांसा बॉर्डर पे जो शहीद दिवस है उस वही टेकरी बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान पहुँच रहे हैं। किसान पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पहुँच रहे हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर किसानों का कहना है कि वो हर हाल में अपना हक लेकर ही वापस जाएंगे। इसी के साथ आज युवा किसान मंच संभालेंगे। देखिए, आज भगत सिंह के शहादत दिवस के ऊपर हरियाणा के अलग अलग इलाकों से यात्रा यहाँ पहुँची है। सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक भगत सिंह के सपनों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम वापस नहीं जाने वाले। भगत सिंह का सपना था कि जब तक किसान और मजदूर को बराबरी का अधिकार इस देश में नहीं मिलता तब तक मैं इस देश को आज़ाद नहीं समझूंगा, और हम आज किसान और मजदूर को बराबरी का अधिकार दिलवाने के लिए ये यात्रा लेकर आए हैं, और निश्चित रूप से हम आज शहीदी दिवस और 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान। लगातार आंदोलन को धार दे रहे किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। देखना होगा कि किसानों की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों का आंदोलन तो जारी है, लेकिन इस आंदोलन का परिणाम कब निकलेगा, किसानों की समस्या का समाधान कब होगा और कैसे होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम इस वक्त तलाशेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता स्वामी इंद्र, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी जगदीश कालावली से। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले जगदीश, आप बताएं, आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में क्या तस्वीर सिरसा में नजर आ रही है आज?
चंद्र, अगर सिरसा के किसानों की बात करें तो शहीदी दिवस को लेकर किसानों की ओर से सिरसा के जो शहीद भगत सिंह पार्क स्टेडियम है उसमें रक्तदान शिविर लगाया गया है। किसानों की ओर से शहीदी दिवस पर रक्तदान शिविर लगाकर जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। दूसरी बावदीन टोल प्लाजा की बात करें तो वहां किसानों की ओर से रक्तदान शिविर लगाकर जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। तीसरी अगर डब्बावाली की बात की जाए तो डब्बावाली में आज भाजपा कार्यकारिणी की बैठक थी जो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बैठक होनी थी, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रचार के लिए निकला था, लेकिन किसान वहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं। वो नारेबाजी अभी की जा रही है। किसान भाजपा नेताओं की ओर से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि किसानों की ओर से वहां पर सरकार का विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है। जी नंदनी, तो लगातार इस तरह की तस्वीरें मिल ही रही है जहाँ विधायकों और सांसदों का विरोध हो रहा हो। चलिए अब चलते हैं सीधा स्वामी इंद्र जी के पास। स्वामी इंद्र जी, आज शहीदी दिवस मना रहे हैं किसान, लगातार आंदोलन जारी है, 118 दिन हो चले हैं, किस तरह के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है और किस तरह की उम्मीद किसानों को? अब सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम शहीदों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आज भारतवर्षी नहीं पूरे विश्व के अंदर शहीदों के सम्मान में लोग जगह जगह उनकी याद मना रहे हैं और वहां को नतमस्तक हो रहे हैं। और ऐसे में भारत में जिस सपने को लेकर हमारे शहीद पुत्रों ने शहीदी दी और जिन्होंने इस बलिदान दिया प्राणों की, आज भारत 70 साल की आजादी के बावजूद भी अंग्रेजों के वैसे ही काले कानूनों के नीचे दबा हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, साइमन कमीशन जब आया था भारत में 1927 के अंदर, ऐसे ही कानून लेके काल लेके आया था जिन काले कानूनों की वजह से लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, तमाम ऐसे तमाम जो हमारे भारत के धरती पुत्र थे उन्होंने अपने। ये बात जब आप कहते हैं स्वामेंद्र जी, तो एक बात शायद भूल जाते हैं कि वो जो था वो अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर कब्जा था, अंग्रेजों की डिक्टेटरशिप थी, लेकिन अभी जो सरकार है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है और लोगों के वोटों से बनी हुई है। बिल्कुल नंदनी जी, मैं वही बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज भारत के अंदर वो जो जेल डायरी भगत सिंह ने लिखी थी, उस डायरी को अगर मैं पढ़ता हूं उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे पर भारत में काले अंग्रेजों का राज होगा, जब काले अंग्रेज भारत में सत्ता संभालेंगे और वो काली करतूतें करेंगे तो आने वाले समय में जो असली आजादी है उसका जो आनंद है भारत के लोग नहीं ले पाएंगे। आज देखिए भारत सरकार किस प्रकार से लोगों के मत अधिकार को लेकर, लोगों के जो ताकत को लेकर किस प्रकार से उसका जो दहन कर रही है, किस प्रकार से वो खराब कर रही है। आप देख सकते हैं कि आज FDI भारत में पूरे रूप से स्थापित हो चुका है, वही ब्रिटिश इंडिया कंपनी FDI का रूप लेके भारत में आ गया है, बड़े बड़े सैलो बन रहे हैं। देसी कंपनियां विदेशी कंपनियों की चाटुकारिता तो करती ही थी पर आज भारत सरकार भी करती हुई नजर आ रही है। आप मुझे बताइए, आप देख सकते हैं कहां देश के अंदर देश का जो लोकतंत्र आपको नजर आता है, हर प्रकार से दमन हो रहा है, लोगों को सड़कों पे कीले खोदी लगाई जा रही हैं, सड़कें खोदी जा रही हैं, लोगों को आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं काल की दूरी पर हूं, कल ही में आंदोलन तो कर ही रहे हैं सर, 118 दिन हो चले हैं आंदोलन को, आंदोलन की जो रूपरेखा है लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन को नहीं चलने दिया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है, क्या उम्मीदें आपको? आंदोलन क्या ऐसे अनिश्चितकाल चलता रहेगा और क्या ऐसे आंदोलन से जिसका असर सरकार पर ना हो रहा हो, क्या कोई परिणाम निकला है कभी? नंदनी जी, मैं वही बता देना चाहता हूं, ये सपना लेकर आजादी ली गई थी कि भारत के लोगों की बात सुनी जाएगी, सरकार बात सुने करेगी और लोगों बीच में आके मध्यस्थता करके लोगों के जो है सुलभ के लिए काम करेगी। पर आज देखिए क्या हो रहा है भारत के अंदर, सड़कों पे कीले लगाई जा रही हैं, ऐसे तो गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया होगा जैसी आज दुर्दशा भारत के धरती पुत्रों की, भारत के मजदूरों की हो रही है। आप देखिए दिल्ली के चारों ओर
किस दशा में किसान पड़े हैं, कैसे वो रो रहे हैं, कैसे जी हमारे साथ आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत से और सिरसा से भी बने हुए हैं। पहले जगदीश एक बार आपसे बात कर लेते हैं, फिर मैं राम सिंह वार से पूछूंगी कि सोनीपत में आज क्या तस्वीर है। जगदीश, आज जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है, धरने दिए जा रहे हैं और शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उन किसानों को भी नमन किया जा रहा है जिनकी जान इस आंदोलन के बीच गई। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं किसान, आज युवा किसान भी इकट्ठे हो रहे हैं, इस आंदोलन को लेकर आगे क्या रणनीति नजर आती है और किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नंदनी, अगर युवा किसानों की बात की जाए, जो युवा किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, यहाँ हर गांव-गांव में किसान हैं जो एकत्रित हो रहे हैं और जो किसान आंदोलन में किसान जान दे चुके हैं उनको बिल्कुल नमन किया जा रहा है, जो शहीद है उनको नमन किया जा रहा है। अगर बात करें आंदोलन की तो युवा जो किसान वर्ग है उसकी ओर से एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में आंदोलन जो है बड़ी तेज चलने वाला है और किसानों की ओर से रणनीतियां बनाई जा रही है कि हर गांव से 15-15, 20-20 लोग जो एकत्रित होकर साइकिल के जत्थे से या गाड़ियों के माध्यम से पैसे एकत्रित करके दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने का काम करेंगे। जी नंदन, चलिए शुक्रिया आपका जगदीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधा चलते सोनीपत से हमारे सहयोगी राम सिंह वार जुड़े हुए हैं। चूंकि सिंघू बॉर्डर हमेशा से केंद्र रहा है इस पूरे आंदोलन का और आज जब शहीदी दिवस है तो किसान आज सिंघू बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीर सिंघू बॉर्डर पर नजर आ रही है? देखिए, जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिस प्रकार का अलग अलग दिन का निर्धारण किया गया है उसी के मद्देनजर आज जो पंजाब से चलकर एक पैदल पर यात्रा करते हुए जत्था जो है वो दिल्ली बॉर्डर पहुंचा है और लगातार ये के अलग गाँव में भी गया और जहां पर इन किसानों को लेकर जो है लोगों को जागरूक किया गया और आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से जयंती जो है जो शहीदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और आज शहीदी दिवस को लेकर युवाओं से आह्वान किया गया था और ज्यादा से ज्यादा जो युवा है आज दिल्ली बॉर्डर पर जो है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर शहीदी दिवस जो है आज मनाया जा रहा है और शहीदी दिवस मनाने के उद्देश्य यही है कि तीन कृषि कानून में जिस प्रकार से लंबे समय से चल रहा है और भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव तमाम जो देशभक्ति से रमे हुए थे वो तमाम लोगों ने जो जिस प्रकार देश की आजादी के लिए योगदान दिया और इसी प्रकार से आज उनके युवाओं को उनका आदर्श बताकर उन्हें प्रेरित किया जा रहा है और वहाँ पर काफी संख्या में जो है रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। जिस प्रकार से बात करें आज जो सीनियर नेता है और युवाओं के बीच में एक मंथन जो है एक बातचीत जो है वो की जा रही है तो आज युवाओं को इकट्ठा करके पुरानी गाथाएं सुनाई जा रही हैं और प्रेरित किया जा रहा है आंदोलन के लिए भी। स्वामी जी, ठीक है, जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं उसकी तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से एकजुटता से यह आंदोलन चला बड़ी बात है, लेकिन यहाँ सर सवाल यही खड़ा होता है कि अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है? नंदनी जी, बता देना चाहता हूँ, कल ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक हास्यपद बयान आया कि प्रधानमंत्री एक फोन कॉल की दूरी पर है। मैं बता देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री का कॉल क्यों नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल एमटीएल को तो बंद कर दिया है और मित्रों के फोन से फोन कैसे कर पाएंगे? अडानी अंबानी के जियो के फोन से कैसे फोन हो पाएगा? वो तो इन तीन काले बिलों को जो है रद्द नहीं करना चाहते, वो उनके पक्षधर हैं, इसलिए वो फोन नहीं करेंगे। तो ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा और हम भगत सिंह के और महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम इस आंदोलन को जन आंदोलन जो बन रहा है थोड़ी प्रैक्टिकलिटी पर आएंगे। और अगर हम प्रैक्टिकल बात करें सर, मुझे तो आंदोलन की दिशा नजर नहीं आ रही है, आप मुझे समझाइए कि क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है? कानून वापसी लक्ष्य है वो आप कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है कानून वापसी हो पाएगी बिना बातचीत किए? नंदनी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि एक आधार है वार्ता, वार्ता के बिना कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ जो हमारा मकसद क्या है। मकसद ये है कि देश के मेहनत कश कमेरे आदमी को उसका अधिकार मिले, गरीब और किसान को उसका अधिकार मिले। जो आज भारत में आर्थिक गुलामी जो हो गई है, जो सबसे बड़ी गुलामी है, आज देखेंगे मध्य वर्ग जो बिल्कुल पिस चुका है। लगभग कोरोना काल के अंदर 35 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है,
तो ऐसे में देश का क्या स्थिति होगी? देश के 30% लोगों ने भूख के साथ समझौता कर लिया है। आप कह रहे हैं कि सिस्टम में कमी है, मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास वर्ग परेशान हो रहा है, और इसीलिए देखिए सरकार ये कह रही है कि इसीलिए हम बदलाव लेकर आ रहे हैं, इसीलिए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। तो अब सिस्टम में जब रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, सिस्टम को सुधारने के लिए, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी सिस्टम अभी का है उससे भी परेशानी है, और जो रिफॉर्म हो रहे हैं उससे भी परेशानी है, तो क्या किया जाए फिर? नहीं नहीं नंदिनी जी, हम रिफॉर्म के पक्षधर हैं, हम रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, पर हम उसके खिलाफ हैं जो सामंतवाद के लिए रिफॉर्म लाया गया है। ये रिफॉर्म भारत में सामंतवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया गया है, ना कि इस देश के गरीब गुरबा और किसान को। अब सरकार कहती है कि एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो ये तो वही हुआ, दो तीतर, दो दो तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। ये बुझार्थ का क्या मतलब है? सरकार अगर मतलब की गारंटी देती है कि खरीद की गारंटी दे सरकार, तो गारंटी जब खरीद की नहीं है तो किस प्रकार से एग्रीमेंट की गारंटी हो पाएगी? तो यानी कि देश के अंदर किसान ही भ्रमित नहीं होंगे, इस देश का आम उपभोक्ता भ्रमित होगा, इस देश पे जो पीडीएस के ऊपर जो लोग अनाज खाते हैं वो भ्रमित होंगे, उनको कहीं अनाज नहीं मिलेगा, और जो गरीब आदमी है उसको जो है खाने के लिए खाद्य संसाधन नहीं मिलेंगे, और किसान उसको भाव नहीं मिलेगा। स्वामी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राम, जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की तस्वीर 118 दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर नजर आती थी, या जिस तरीके से यह आंदोलन शुरुआती दौर में चला था, जब संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता एक साथ एक मंच पर नजर आते थे, क्या उस तरह की तस्वीर अब नजर आती है सिंघू बॉर्डर पर? देखिए शुरुआती स्तर पर जब आंदोलन जो चला था, तो आंदोलन इसलिए चला था क्योंकि इनके जो किसान थे, तमाम जो नेता थे, वो इस बात के लेकर अड़े हुए थे कि संशोधन किया जाए, लेकिन बाद में ये बात जो है बदल गई और राजनीतिकरण जो है पूरे आंदोलन का कर दिया गया। हालांकि प्रत्यक्ष रूप में वो दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष रूप में वो सारा राजनीतिकरण जो है वो किया गया है, जहाँ कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी लोग हैं वो लगातार इसका विरोध करते हुए उसके समर्थन में जो है लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें फिलहाल की स्थिति जिस प्रकार अभी कृषि का जो गेहूं की कटाई का जो समय सीजन हो गया है, शुरू हो गया है, तो ज्यादातर जो किसान है वो घरों की तरफ पलायन जरूर करना शुरू कर गए हैं, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर, जिस प्रकार की भीड़ जो आंदोलन वो कहीं ना कहीं अब कम जरूर हुई है। हालांकि किसान जो है डटे हुए हैं, लगातार उनके आशियाने जो है सर्दी के हिसाब से अलग थे और गर्मी के लिहाज से आज अलग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार आज शहीदी दिवस है, और शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जिस प्रकार काफी संख्या में आसपास के गांवों से जो आह्वान किया गया था, और उसी के मध्य में काफी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर तमाम युवा, बुजुर्ग महिलाएं और महिलाएं जो अन्य महिलाएं हैं और तमाम जो लोग हैं वो एकत्रित होने के लिए कुर्ली बॉर्डर पर आज जरूर पहुंच रहे हैं। एक बड़ा पॉइंट, एक बड़े पॉइंट पर आपने राम बात की यहाँ पर, कि आंदोलन के बीच में राजनीति नजर आ रही है। स्वामी जी, जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर किसान नेता, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे दूसरे नेता हो, चलिए आपसे मैं ये सवाल करूंगी, लेकिन डॉक्टर संजय जुड़ चुके हैं बीजेपी से, सबसे पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ, आपसे फिर उसके बाद ये वाला सवाल जरूर करूंगी। संजय जी, स्वागत आपका। आज शहीदी दिवस मना रहे हैं किसान, 26 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है, 28 तारीख को कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी, आंदोलन लगातार जारी है, 118 दिन हो चले हैं। अब आगे जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि आंदोलन कर रहे किसानों को समझाकर भेजें अपने घर पर, चुप क्यों है सरकार? जी, सबसे पहले तो मैं देश के सभी शहीदों को, खासकर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को अपने श्रद्धा के सम्मान अर्पित करता हूँ, और किसान भी जो शहीदी दिवस मना रहे हैं, हर किसी का एक कर्तव्य है कि देश के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनको जो शहीदी है उसको याद करके उनकी कुर्बानी को, आंदोलन के बीच भी जो लोग शहीद हुए हैं किसान उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं? किसान कोई भी, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी दुख तकलीफ सबको होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कारण से चला गया है दुनिया, तो उसको हर किसी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हम खुशी हुई आपको दुख व्यक्त करता हुआ देखकर, वरना आपके नेता तो दुख भी व्यक्त नहीं करते, विधानसभा में बात तक नहीं करते। चलिए, जो सवाल संजय जी मेरा है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे क्यों हट रही है, क्यों मौन है? नहीं, सरकार मौन नहीं है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं है। अगर सरकार जिम्मेवार नहीं होती तो ये तीन कानून लेकर ना आती। सरकार
22 में किसानों की आमदन दुगनी करना, उसके लिए परंपरागत तरीके से जो चीजें चल रही हैं उससे हटकर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि देश की आजादी के बाद बहुत से काम हुए हैं खेती को सुधार के लिए, लेकिन पिछले 30-35 सालों से 40 सालों से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे किसान कर्जे के जाल से बाहर निकले, उसकी आमदन बढ़े, परंपरागत जो खेती है उससे हट करके वो कुछ करना शुरू करे। इसलिए एक रास्ता सरकार ने ऐसे सब किसानों को जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो लीक से हट करके काम करना चाहते हैं, उनको कुछ सुविधाएं नहीं है, इसलिए तो दी है, और यही काम सरकार कर रही है। इसलिए ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम किसानों के प्रति सेंसिटिव नहीं है या उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है? जागरूक है तभी तो हमने ये सब कुछ किया। ये तो बिल्कुल आप वही बात कह रहे हैं सर जिस चीज का विरोध हो रहा है, और आप उसी पर घमंड कर रहे हैं। स्वामी जी, अगर ये बिल्कुल सही स्टेप है सरकार का आपके लिए, आपके आपकी आय को दोगुनी करने के लिए, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो? क्यों आप लोग 118 दिनों से धरने पर बैठे हुए हो? सरकार को तो गर्व है अपने उस डिसीजन पे। सरकार जो है किसान के रस्ते में डंगे पर डंगा लगाई जा रही है। ये देखो, इनका एक इनका चेहरा खुलकर सामने आया है। अभी एफसीआई ने नोटिफिकेशन हरियाणा में जारी कर दिया है, किसान को भूमि संबंधित अपने कागजात जमा कराने पड़ेंगे, और किसान को जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो सरकार को दिया है अब वैसा ही ब्यौरा उसको जो है एफसीआई को देना पड़ेगा। यानी कि किसान अपनी फसल बेचेगा कि सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएगा। और आज हरियाणा के अंदर लगभग 30% किसानों का मेरा फसल मेरा ब्यौरा के अंदर उनका जो आंकड़ा है वो गलत भर दिया गया है। जितने सीएससी केंद्र हैं वो जानबूझकर सरकार के इशारे पर किसान का जो ब्यौरा गलत दे रहे हैं, और 30% से अधिक किसानों का ब्यौरा जो है रद्द कर दिया गया है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश का किसान अपनी फसल कैसे बेच पाएगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात यह है, जो ये रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है जो 2006 में आई थी उसको क्यों नहीं लागू करते आप लोग? C2+50 का जो फार्मूला है उसको आप क्यों रद्द करना चाहते हैं? यानी कि दाल में काला है और ये दाल पूरी काली है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर को ही फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे की तीन कानून लेके आए हैं। मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, आप मुझे 5 उदाहरण दे दीजिए। मेरे को आज पूछते पूछते लगभग 6 महीने हो गए हैं कि मुझे 5 उदाहरण दे दीजिए कि जिससे किसान का फायदा होने वाला इन कानूनों के द्वारा। जी देखिए स्वामी जी, जो आपने पॉइंट उठाया, आपका एक पॉइंट पर जरूर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि किसान अपना ब्यौरा देता फिरे या फिर अपनी फसल को बेचे। देखिए, अगर किसान आंदोलन के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो ये जो सरकारी फॉर्मेलिटीज हैं ये भी कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े स्वामी इंद्र जी और